नमस्कार। संसार क्रांति स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नव ज्योति समाज कल्याण समिति के जो फाउंडर अध्यक्ष हैं सुरेंद्र खोखरी जी, और उसकी जो मुख्य एडवाइजर हैं सलाहकार हैं श्रीमती उषा खोखरी, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सुरेंद्र जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। जी तो सुरेंद्र जी, जो नव ज्योति समाज कल्याण समिति बनाई गई है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या एजेंडा है, थोड़ा बताएंगे आप दर्शकों को? हाँ, हम नवज्योति समाज कल्याण समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार और लोगों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास कर रहे हैं जी। वहाँ नवज्योति समाज कल्याण समिति द्वारा हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति और समाज में हस्तकला और सिलाई ब्यूटीशियन के प्रति महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, ताकि महिलाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित ना हों और खुद अपना गुजारा कर सकें, ताकि समाज में अपनी एक अलग से पहचान बना सकें और आत्मनिर्भर बन सके। तो किस तरह से करते हैं आप ये कार्य? क्या समाज के लोगों के बीच में जाते हैं या कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? हम लोगों के बीच में भी जाते हैं, गांव-गांव शहर में लोगों के बीच में जाके हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार करते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि हम समाज को एक अच्छी सोच का परिचय दे सकें कि भी जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए नारी जाति के लिए एक नारा लगाया कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि समाज में नारी की इज्जत हो सके, नारी का मान सम्मान हो सके और जो लिंग अनुपात में कमी आई है, वे अगर हम बेटी को बचाएंगे नहीं तो हमारा देश पिछड़ जाएगा, क्योंकि जितना हक पुरुष का होता है उतना ही नारी का होता है। अगर नारी की कमी समाज में रहेगी तो पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों को साथ में मिलके ही समाज के कार्य करने होंगे। तो हमारे साथ समिति की जो सलाहकार हैं श्रीमती उषा खोखरी, वो भी चर्चा में शामिल हैं, हम उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। उषा जी, हमें बताएं, कुछ जानकारी आ रही है कुछ एक दो दिन के बाद या इस वीक के अंदर इसी सप्ताह में आप लोग प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप भी खोल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी नमस्कार जी। हम महिलाओं को आगे लाने के लिए अपने हमने नव ज्योति समाज कल्याण समिति के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और उनको आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो, इसके साथ साथ जो महिलाएं घर में कार्य करती हैं उसके साथ साथ अपना निशुल्क हमने जो सिलाई ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है बेस्ट ट्यूशन का, तो वो इसके साथ साथ अपना आत्मनिर्भर बन सके और घर में अपना रोजगार चला सके। तो साथ साथ में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसके बारे में भी आप उनको अवेयर करेंगे इसमें? हाँ जी, हम घर घर जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकेत इस कैप के माध्यम से हम सबको संकेत दे रहे हैं, घर घर जाके सबको समझाते हैं भी बेटियों को और भ्रूण हत्या के बारे में सबको समझाते हैं कि कोई भी गर्भ के अंदर अपना भ्रूण हत्या ना करवाए। तो ये थे हमारे साथ नवज्योति समाज कल्याण समिति के फाउंडर अध्यक्ष सुरेंद्र खोखरी और सलाहकार उषा खोखरी जी। ये दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके समाज के अंदर एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी भी परमपिता से प्रार्थना और संसार क्रांति स्टूडियो के माध्यम से, संसार क्रांति समाचार पत्र के माध्यम से भी हम इनकी जो ये उद्देश्य लेकर के चले हैं उसमें परमपिता इनको कामयाबी दें। संसार क्रांति स्टूडियो जींद से करमवीर आर्य है।